नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एक ऐसा हैवान आपके सामने बेनकाब होगा आज जो लाश के साथ टुकड़े करता है और कहता है दम है तो टुकड़े लेकर जाओ। सात टुकड़े वाले साइको किलर की हैवानियत की इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। साथ ही बेनकाब होगी बिहार की गोल्ड गैंग, वो गैंग जो जेल से ऑपरेट हो रही थी आका के इशारों पर। गैंग गोल्ड लूटने को तैयार हो जाती है। जेल से जुर्म के प्लान की कहानी भोपाल पुलिस की जुबानी आपको हम सुनाएंगे। घर में बेटी की शादी और बेटी की विदाई के बाद आखिर क्यों हुआ लड़की की मां का कत्ल, ये खुलासा भी आज हम करेंगे। एक महीने बाद नई नवेली दुल्हन की मर्डर मिस्ट्री की भी आज तफ्तीश होगी। और आज के क्रिमिनल्स में होगा एक गोली दो निशाने। दिल्ली में दरिंदगी की तस्वीर अभी लोग भूले भी नहीं थे, जब बेकसूर साक्षी की सरेराह चाकू से गोद कर सनकी ने बेरहमी से जान ले ली थी। अब देश के दिल एमपी में दरिंदगी का वो वीडियो सामने आया है जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। सीहोर में सात टुकड़े वाला साइको किलर जिसकी हैवानियत देख किसी का भी कलेजा कांप जाए, आप भी देखें। चीखते रहे, वो लाश के टुकड़े करता रहा। कुल्हाड़ी से वार, हैवानियत की हदे पार। बर्बरता, हैवानियत का लाइव वीडियो। उसके निशाने पर कोई और था। सात टुकड़े वाला साइको किलर। देश के दिल में दरिंदा। इंसानियत के कैसे टुकड़े हो रहे हैं, संवेदनाएं कैसे दम तोड़ रही हैं, इंसानी जान की जैसे कोई कीमत ही नहीं। कभी तमाशबीन लोग, कभी बेदर्द मुर्दा इंसानों की बस्ती। दिल्ली में पत्थर दिल, मुर्दा, बेजान लोग दिखे जो साक्षी के कत्ल का तमाशा देखते रहे। एक सनकी दिखा जो बस चाकू मारता रहा। और अब देश के दिल एमपी में दरिंदगी का ये लाइव वीडियो, जब ये दरिंदा, ये हैवान कुल्हाड़ी से हैवानियत की हदें पार कर देता है। जो एक बेकसूर बेगुनाह इंसान की जान लेता है। बर्बरता देखिए, कुल्हाड़ी से लाश के टुकड़े टुकड़े करता है। मर्डर के इस लाइव वीडियो में लोग चीखते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दरिंदे की दरिंदगी रुक नहीं रही। सीहोर के करबला पुल के पास ईंट भट्टे पर सूरज कुशवाहा की बेरहमी से शुक्रवार को हत्या कर दी गई थी। हैवानियत करने वाला ये हैवान सुरेंद्र कुशवाहा, उम्र 28 साल, जिस पर पहले भी मारपीट का इल्जाम लगा है, जो 5 दिन से कुल्हाड़ी लेकर इंतकाम की आग में घूम रहा था। सूत्रों की माने तो एक शख्स से इसका विवाद हुआ था और उसने कत्ल का ऐलान किया था कि वो उसे मारकर ही दम लेगा। ईंट भट्टे पर जब सूरज कुशवाहा ईंट लेने पहुंचा तो इस साइको किलर सुरेंद्र की सनक का निशाना बना। सूरज कुशवाहा सब्जी बेचने का काम करता था, जिसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। परिवार वालों की माने तो मिलनसार और सीधा साधा था सूरज। कोई लड़ाई झगड़ा था? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, किस प्रवृत्ति के थे, क्या काम करते थे? मजदूरी करते, वो ठेला लगा सब्जी का। न रंजिश, न बदला, न इंतकाम। कुल्हाड़ी से वार, हैवानियत की
हदें पार। उसका कसूर क्या था? एक लाश, सात टुकड़े, सलाखों में शैतान। सूरज ने बस ईंट भट्टे का पता पूछा था और पता पूछते ही उस पर ये हैवान दौड़ कर आया और सूरज पर टूट पड़ा। कितना बेखौफ है ये कातिल जिसने लाश के साथ टुकड़े किए, उसके बाद वहीं बैठा रहा ये कहते हुए कि देखते हैं कौन लाश के टुकड़े ले जाता है। ये तस्वीर विचलित करती है, ये हैवानियत देखकर ही कलेजा कांप जाता है। ईंट खरीदने के लिए रानी सिंह प्रजापति के ईंट भट्टे पर जो करोला के पास है वहाँ गए थे। रानी सिंह का पता पूछा तो अचानक से आरोपी जो सुरेंद्र कुशवाहा जिसका नाम है वो हाथ में कुल्हाड़ी लिए दौड़ के आया और अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी को बाद में पुलिस ने वहीं से गिरफ्तार किया। दिल्ली और देश के दिल एमपी में ऐसे दरिंदों के दिमाग के वहशीपन को क्या कहे? क्यों इंसानियत के टुकड़े हो रहे हैं? क्यों चल रहा है दरिंदगी का ये खंजर? इंसानियत पर कलंक लगाती ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। सीहोर से प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब जिस गैंग की हम बात करने जा रहे हैं, ये वो गैंग है जिसके आका अपने गुर्गों को जेल से हुक्म देते हैं, जिनके टारगेट पर होता है गोल्ड। जेल में बंद आकाओं के इशारों पर ये गिरोह डकैती का प्लान बनाता है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में गिरोह का जाल फैला है। कैसे नौजवानों का मास्टरमाइंड ब्रेन वॉश कर उन्हें जुर्म की गलियों में धकेल रहे हैं, आप भी देखिए। भोपाल टू राजस्थान पुलिस की रेड, सलाखों में बिहार की गोल्ड गैंग। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब ये पकड़ा गया, ये खास तौर पर राजस्थान के जिस शहर से पकड़ा गया वहां पर कुछ ही देर में वारदात करने की तैयारी में थे। जेल में जुर्म का प्लान, लूट का टारगेट, नौजवानों का वो करते ब्रेन वॉश। हिंदुस्तान में गोल्ड बैंक के वो जानकार, मास्टरमाइंड का इशारा और गैंग तैयार। भोपाल टू राजस्थान पुलिस की रेड। सलाखों में बिहार की गोल्ड गैंग। तारीख 5 अप्रैल 2023 और तारीख 29 मई 2023, इन तारीखों में कैद है बिहार की गोल्ड गैंग का रास। जिस गैंग को मास्टरमाइंड से इशारा मिलता, इशारा भी जेल से, और इस इशारे पर युवाओं का गिरोह तैयार होता, जो गोल्ड बैंक लूट की साजिश रचते। भोपाल क्राइम ब्रांच और पिपलानी थाना पुलिस ने राजस्थान के झुंझुनू में दबिश दी और इस रेड में पुलिस के हत्थे चढ़े बिहार की गोल्ड गैंग, जो एक और गोल्ड डकैती की फिराक में थे, लेकिन पुलिस वालों ने इस गिरोह के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अंतरराज्यीय गैंग को पुलिस ने पकड़ा है, जिसने न सिर्फ यहाँ पर एक लूट का प्रयास किया था बल्कि देश के कई राज्यों में बड़ी सनसनीखेज वारदातें कर चुका है, जिसमें जेल के अंदर हत्या करने से लेकर के लूट, चैन स्नैचिंग, बैंकों पर लूट की विभिन्न प्रयास, विभिन्न लूट की घटनाएं, हत्याएं और साथ ही साथ
नारकोटिक्स की कई बड़ी घटनाएं इसमें शामिल है। 5 अप्रैल को सुबह करीब 10 बजे इस गैंग के टारगेट पर भोपाल पिपलानी के इंद्रपुरी में गोल्ड लोन बैंक निशाने पर था। ये लुटेरे बैंक में पहुंचे थे, पिस्टल से कर्मचारियों को डराने की कोशिश की, लेकिन लूट का ये प्लान फेल हो गया। बैंक में मैनेजर ने सायरन बजाया और लुटेरों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। जिस गिरोह ने लूट से पहले रैकी की थी, एक आरोपी गोल्ड लोन लेने के बहाने 17 दिन पहले आया था और फिर 5 अप्रैल को वारदात का दिन चुना। 5 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके पास 3 पिस्टल्स अत्याधुनिक पिस्टल्स मिली हैं और लगभग 3 दर्जन से ज्यादा उसमें राउंड्स मिले हैं और साथ ही साथ कुछ अत्याधुनिक उपकरण भी मिले हैं। लूट की इस नाकाम कोशिश में पहले ही एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जिससे पुलिस को कुछ इनपुट मिले। 500 सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल, 5 राज्यों की खाक छानने के बाद गिरोह का सुराग लगा। बिहार के पटना की बेउर जेल में बंद सुबोध सिंह, सनी सिंह और पश्चिम बंगाल की जेल में बंद एक और आरोपी जेल से ही गिरोह को ऑपरेट कर रहा है। करीब 10 गैंग है जिनके निशाने पर गोल्ड लोन बैंक है। दूसरी वारदात में भी गिरोह का हाथ है। मुख्य तौर पे इस घटना से जुड़े हुए कुछ दूसरे आरोपी, जिनके घटना के प्लानिंग में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, वो अभी जेल के अंदर है और जेल के अंदर से इस तरह के इनके पास जैसे 6-7 लोगों की जो गैंग है, जो 6-7 लोगों की गैंग जैसा अभी सामने आया है। अभी इस घटना में अगर हम बात करें तो कुल 5 और पूर्व में 1 गिरफ्तारी हो चुकी थी, 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस तरह के उप अपराधी के पास लगभग 10 अलग अलग यूनिट्स है, 10 अलग अलग इस तरह की अपराधियों की गैंग है, जिसके कारण अलग अलग जगहों पे वारदात की घटनाएं होती रहती हैं। इसी मामले में पुलिस को आरोपियों की लोकेशन दिल्ली मिली, फिर राजस्थान के झुंझुनू, जहां बैंक डकैती होते होते रह गई। गिरोह का मास्टरमाइंड MBA किया हुआ है। गिरोह कितना शातिर है, सुनिए जरा कितने राज्यों में इस गैंग की दहशत है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुख्य आरोपी है, जो पूरे इस घटना के कहीं न कहीं केंद्र में है, वो MBA किया हुआ है। दूसरा जो उसका सहयोगी है, वो BTEC किया हुआ है और बाकी जो दूसरे आरोपी हैं, सबकी उम्र 20 से 25 वर्ष के अंदर है। आरोपियों से हाईटेक हथियार बरामद किए गए हैं। अभी भी इस गैंग के कई राज का खुलासा होना बाकी है। आखिर जेल से जुर्म के और कितने प्लान। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस घर में बेटी की शादी थी, बेटी की विदाई होती है और इसी खुशियों के माहौल में इंतकाम की आग में जल रहा वो सनकी लड़की की मां का कत्ल कर देता है, लड़की के पिता पर भी जानलेवा हमला करता है। आखिर हत्यारा कौन है, खुलासा होश उड़ा देने वाला। देखिए आप, पर खूनी खेल, शादी की खबर, एक्स दामाद का कहर, धारदार हथियार से ससुर पर वार, सास की बहरहमी से ले ली जान, रिश्तों का बदलापुर। ये अस्पताल रिश्तों के कत्ल की कहानी सुना रहा है, बदले इंतकाम की खूनी कहानी। एक बेटा अपनी बूढ़े माँ बाप को इलाज के लिए लेकर आता है, लेकिन माँ पर इतना जबरदस्त हमला उस हत्यारे ने किया था कि वो दम तोड़ देती है। उस लड़की के पिता पर भी धारदार हथियार से वार किया गया। खरगोन की बड़वा में जो वहशीपन हुआ है, उसमें हत्यारा कौन है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सुनिए वारदात कैसे हुई। छत पर बुजुर्ग सुखराम और उनकी पत्नी भीकूबाई सो रहे थे, तभी छत पर आरोपी मोहन आया, जो तैश में था। उसने धारदार हथियार से वार किया, जिस वार से भीकूबाई का सिर फट गया और वो बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। बीचुए ग्राम मोरल्ला में मांगीलाल चौधरी के बाड़े में घोड़वा निवासी
भीकू भाई सुखरा और उनका लड़का विजय, उनका भतीजा मनोवीर घर पे सो रहे थे और उसी समय ये आरोपी आया मोहन, उसने अपने सास ससुर के सिर पे धारदार चीज से वार किया। सास भीकू भाई उसमें खत्म हो गई है, सुखराम का भी इलाज चल रहा है। एक दिन पहले ही सुखराम और भीकू भाई के घर शादी का जश्न था। भीकू भाई की बेटी की शादी थी, बेटी की विदाई हुई और हत्यारे मोहन का ये बदलापुर जिसने सुखराम और भीकू भाई पर हमला किया। क्या बेटी की शादी से इस हमले और भीकू भाई के मर्डर का कोई कनेक्शन था? तो यही है वो रिश्तों का बदलापुर, रिश्तों के कत्ल की कहानी। दरअसल झगड़ा तोड़ना रिवायत के तहत एक फैसला हुआ, जिस फैसले में तय हुआ पति पत्नी दोनों अब अलग होते हैं। पति था आरोपी मोहन। मोहन ने अपनी सास भीकू भाई और ससुर सुखराम पर हमला इसलिए किया क्योंकि उससे अलग हुई पत्नी की शादी की खबर उसे लग गई थी। आरोपी घोड़वा का ही निवासी है। दरअसल आरोपी के पत्नी से मारपीट करता था, तो पत्नी आकर के अपने मायके में रह रही थी करीब साल भर से। फिर बीच में इनका सामाजिक रीति रिवाज से विवाह विच्छेद हुआ, जिसको सामाजिक तौर पर झगड़ा तोड़ना बोलते हैं, वो हो गया। उसके बाद में इनको कल दूसरी जगह शादी की लड़की की, तो उसी रंजिश से जब ये सास ससुर सो रहे थे तो इनके सिर पे धारदार वार हथियार से वार किया और उसमें सास की मृत्यु हो गई। दरअसल मोहन आए दिन पत्नी पर जुल्म ढहाता था। पिछले एक साल से मोहन की पत्नी अपने पति से प्रताड़ित होकर मायके में रह रही थी, को रखने से भी इनकार, और फिर सामाजिक रीति रिवाज से पति पत्नी दोनों अलग हुए। लेकिन मोहन को जब ये पता चला सुखराम और भीकू भाई ने बेटी की शादी कर दी है, तो उसने बदला लिया जो रोंगटे खड़े करने वाला है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। आउट की वो मिस्ट्री जब शूट आउट में घायल शख्स इलाज से पहले अपने दुश्मनों का नाम दे रहा था कि उस पर हमला किसने किया है। सोचिए जरा, उस घायल शख्स को इलाज से ज्यादा दुश्मनों के नाम का खुलासा करने की पड़ी थी और इसी में कैद है बदलापुर की कहानी। ये वारदात कह रही है दो निशान। हम लोग आ रहे थे उत्तर प्रदेश पटेल राघवन पटेल ग्राम अमलिया ने गोली मार। सबसे महत्वपूर्ण घटनास्थल होता है, तो घटनास्थल पे गई जब पुलिस, तो पुलिस को कहीं से भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि उस घटना उक्त स्थान पर घटी है। शूट आउट का अजब प्लान, वो सुनाए चुनावी रंजिश की कहानी। गोली की गुत्थी, एक गोली दो निशाने। गोली में कैद बदलापुर। इस जख्मी शख्स को सुनिए जो खुद हमला, जिसमें एक है और इस पर किसने गोली चलाई है, क्यों चलाई, सब कुछ बयां कर रहा है। किस वजह से कोई विवाद? पुराना विवाद चल रहा था। क्या का विवाद चल रहा था? चुनावी रंजिश को लेकर। अब गोली क्यों चलाई गई, तो कहा गया चुनावी रंजिश का ये मामला है और उस पर हमला किया गया है। बाकायदा का नाम भी लेता है शख्स, हमलावरों का नाम सुनिए जरूर। आगे रहने वाले दमोह एसआईटी वार्ड नंबर है। क्या हो गया? हम लोग आ रहे थे उत्तर प्रदेश पटेल राघवन पटेल ग्राम अमलिया ने गोली मार दी।